What is wrong with you, Tanu? तुम्हें कितनी बार चीजों को समझाना पड़ेगा? उस प्रज्ञा गैंग को जब तुम पर शक हो चुका है तो उनके शक को यकीन में क्यों बदल रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात करने की? तो क्या करूं आजा? किस पे अपना गुस्सा उतारूं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार में मैं उस प्रज्ञा पे गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मर गई क्या प्रज्ञा? अगर मर जाती तुम इतनी गुस्से में नजर नहीं आती, तुम नाच रही होती अभी मैं। तो फिर वो वहां से भाग गई और वो यहाँ पे घर पे आ रही है, किसी भी वक्त पहुंच रही होगी। बस भाग गई? अरे कैसे भाग गई? वो निखिल के चंगुल से कैसे बच सकती है? वो बोला था कि वो निखिल एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, किसी काम का नहीं। बस बातें करवा लो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, उसके बस का कुछ है ही नहीं। हर बार उसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी। अनबिलीवेबल, जब वो यहाँ पर आया था मैंने बोला था उसे बीच में इन्वॉल्व मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी बहुत पड़ी हुई कि निखिल को हर चीज में तुम्हें इन्वॉल्व करना ही करना है। और गलती उस निखिल की भी नहीं, गलती तुम्हारी है तनु। हमें लाइक हर चीज तुम्हें बिना पूछे करनी, अपनी चलानी, तो अब चलाओ। निकल गई वो प्रज्ञा उस निखिल के हाथ से, क्या करोगी तुम? आप कुछ नहीं कर सकती। आई स्वेयर, अगर कानून अगर एक खून माफ करे ना, तो उस प्रज्ञा की छोड़ो, उस निखिल को जान से मार दो। मैं एक लड़की को पकड़ कर नहीं रख सकता? क्या कर क्या रहा है वहां पर? यू नो व्हाट, हमें तो अपने दुश्मन गैंग का भी वेट नहीं करना है अपने आप को मारने के लिए। हमारे तो बीच में ही हमारे दुश्मन हमारे साथ में घूम रहे हैं, थैंक्स टू यू। और वो निखिल हमारे दुश्मन से कोई कम नहीं है, और वो यहां पर आए तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ा है। अब डाल दिया मैं फिर से मुसीबत में, सब कुछ उस निखिल की वजह से बर्बाद हो गया। एक बार प्रज्ञा का पता चल जाए फिर तो ये सबूत का बम मैं उसके सर पे ही फोड़ूंगी। अरे इस घर में तो क्या, पूरे शहर में उसे एक्सपोज कर दूंगी। अब वो प्रज्ञा यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी और सबको बता देगी मेरी किडनैपिंग तनु ने की, और तुम भी बोल देना हाँ मैंने की। और वो वहां पर थोड़ी ना रुकने वाली, उसके आगे की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बता देगी। अनबिलीवेबल, हमें लाइक कोई स्कोप ही नहीं होगा। अरे तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी टूट चुकी है, अब आगे क्या होगा अच्छी तरीके से जानती हो। मेरा क्या होगा? पिछली बार तो उनकी मेमोरी लॉस की वजह से बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। इस बार तो हम सीधा जेल जाएंगे, जेल। और वो सब कुछ होगा तुम्हारे इस निखिल की वजह से, तुम्हारे इस निखिल के लिए अंधे प्यार की वजह से। कम ऑन आलिया, बस करो। आलिया अगर तुम इतनी जोर से चिल्ला के बात करोगी तो कोई भी हमारी बातें सुन सकता है, और प्रज्ञा के आने से पहले ही हम फंस सकते हैं। आलिया हमें शांत रहना होगा ताकि हम कुछ सोच पाए। अरे क्या सोचेंगे यार तनु, तुम्हें समझ में नहीं आती हमारे पास सोचने के लिए बचा क्या है, क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक ऑप्शन है आलिया, मुझे निखिल ने कहा था कि घर पे जाके सब पे नजर रखो, क्योंकि प्रज्ञा यहाँ पे आने से पहले किसी न किसी को फोन जरूर करेगी, और हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगा, हम वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ तो निखिल को इन्फॉर्म कर देंगे, वो अपने आदमियों को लेके यहाँ पे आ जाएगा, और प्रज्ञा के घर पे एंटर होने से पहले उसे फिर से किडनैप कर लेंगे। यू नो व्हाट, वो फोन पर किससे क्या बात कर रही है हमें कैसे पता चलेगा, और किससे बात कर रही है ये भी कैसे पता चलेगा, इतने सारे लोगों पर कैसे नजर रख सकते हैं? करना पड़ेगा आलिया, करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है और यही लास्ट चांस है हमारे पास। अरे तुम दासी, आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम दोनों को प्रज्ञा के बारे में बात करते हुए सुना। प्रज्ञा? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि प्रज्ञा का कुछ पता नहीं चला, अगर कुछ पता चल जाता तो घर वालों की टेंशन भी थोड़ी कम हो जाती। हाँ यही बात कर रहे थे हम। नहीं, तुम लोग फोन के बारे में बात कर रहे थे। फोन? हाँ फोन के बारे में तो बात करेंगे ना दासी, किडनैपिंग हुई है, किडनैपर किसी न किसी डिमांड के लिए फोन तो करेंगे ना। अब अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मतलब किडनैप क्यों करेंगे? अब कुछ ना कुछ डिमांड, बस वही बात कर रहे थे। क्यों तनु?
राइट, हम यही बात कर रहे हैं। कुछ तो है जो ये छुपा रही है, और इस बात का पता मैं करके रहूंगी। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही, इस पूरे तबेले में कमरा तो यही है, वो यहाँ नहीं है तो और कहाँ होगी? कहीं उसके पीछे तो नहीं है? अरे छुईया थोड़ी है मेरी फुकी। फुकी, ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्पो यही आया था, वो पूरा गैंग यहां है, तो प्रज्ञा को भी यहां होना चाहिए। कहीं मुझे फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई? जी, पहले जो हो गया उसको छोड़ो आप। अब आप ये बताओ अब क्या करना है? ये आवाज कहां से है? आवाज तो इस तरफ से आई है। लगा तो मुझे भी कि आवाज इस तरफ से आई है, लेकिन अगर हम सब यहां पे हैं तो वहां पे कौन है? होगा कोई बिल्ली चूहा, और यहां पे कौन आ सकता है? भाई भूत भी तो हो सकता है, भूत। देखो देखो देखो, भूत नहीं है तो भगवान आए हैं, स्वयं तुम्हें दर्शन देने भगवान आए। इतना अच्छा काम कर रहे हो ना। हाँ देखो, हाँ भगवान होंगे क्योंकि बजरंगबली होंगे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। चल, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त यहां पे सिर्फ 3 लोग हो सकते हैं। एक या तो ये प्रज्ञा है जो यहीं कहीं है और हमें चुपचाप उसे ढूंढना होगा। 2 ये अभी हो सकता जो प्रज्ञा को ढूंढने यहां आया, या तीसरा ये मैं बताऊं सर, पुलिस हो सकती है। हो सकता है पुलिस हमें ढूंढने आई हो, या किसी ने पुलिस को भेजा हो। नहीं यार, ये पुलिस नहीं हो सकती, मगर पुलिस का कोई बंदा जरूर हो सकता है जो उन्होंने भेजा हो ताकि वो प्रज्ञा को ढूंढ सके। जी ये हो सकता है, तुम जाके चेक करो। जी रुको, हाँ अपना ये मुंह ढक के जाना। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? कहीं उन लोगों ने सुन तो नहीं लिया? पर अब करूं क्या? यही रुकूं या नहीं? मैं प्रज्ञा को लिए बिना नहीं जाऊंगा। ऐसा करता हूँ यही कहीं छुप जाता हूँ, फिर जब उनमें से कोई यहाँ आएगा तो उसे मार मार के पता लगाऊंगा कि उन्होंने प्रज्ञा को कहाँ छुपा रखा है। शांति से जाके चेक कर, शांति से। इधर देख रहे हैं, उस तरफ देख। बॉस लगता है यहां पर तो कोई भी नहीं है। हाँ ठीक है। ओह नो, मुझे तो लगा था कोई एक आएगा, पर यहां तो पूरी सर्कस आ गई। गधा, घोड़ा, खच्चर, जोकर, सबके सब।
पर इनका रिंग मास्टर नहीं आ रहा। ए, कौन है तुम हुँ? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं चंदे। वेरी गुड। मुझे घोड़ों के तबेले में आता, मैं शायद गलत जगह पर पहुंच गया। आप लोग कौन हो? जितना बोला उतना जवाब दे। बॉस, मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। पक्का? पक्का बॉस, पक्का। ये लोग मुझे नहीं पहचानते तो अच्छा यही होगा कि बिना बताए यहां से निकल लूं और चुपचाप जाकर प्रज्ञा को ढूंढना शुरू कर दूं। भाई साहब, मुझे ना घोड़ों के तबेले में जाना था, मैं गधों के तबेले में पहुंच गया। I'm sorry, excuse me, okay? रुक। अरे पापा रुक। ओ माय डार्लिंग, गिव मी अ लुक, दिल मेरा दर्द। ये कहां गायब हो गया? वो गेम खेल रहा है। तुम तीनों उस तरफ देखो और अलग अलग, समझे? Okay. अच्छे से तू एक काम कर, हम उस तरफ देखते हैं। ये फुगी क्यों नहीं मिल रही है? आवाज लगाओ क्या? नहीं यार, आवाज लगाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इन्हें पता नहीं चलने दूंगा और एक एक करके सब जगह चेक करता हूँ कि फुगी है कहाँ। अरे घोड़ी बनाना आसानी होगा चढ़ने में। अरे तुमसे ना हो पाएगा, चलता हूँ रे। अबे निकम्मा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे, पकड़ो। ए, रुक। ये तो सर्कस के जोकर की तरह भाग रहा है। अरे सुमर में हाथी नहीं जुड़ती, भाग रहे। चल। फुकी, फुकी कहाँ हो तुम? फुकी, 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 फुकी कहाँ हो तुम? आवाज दो ना फुकी, फुकी, घोड़े का जिन, घोड़े का
इतनी बदबू आ रही है, फुगी यहां नहीं हो सकती। का प्रसाद भी बच गया बेटा अभी, वरना आज तो हैप्पी बर्थडे टू यू फुगी। अरे फुगी, फुगी वाला क्या तू? अरे क्या भाई साहब, मुझे नहीं पहचानते। आई एम रॉक। हाँ भाई साहब, मैं फुगी वाला फुगे ढूंढ रहा था ना मैं। नहीं, वो रहा फुगे। इधर वो, उधर किधर? अरे उधर उधर। अरे किधर? देखा? हाँ वो अरे किधर? अरे वो वाह वाह बेटा, केक काट लिया? अकेले अकेले बर्थडे मना रहा है? थोड़ा केक घर भी ले जा। फुगी आवाज तो कहां हो तुम? फुगी 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 यार है, तू खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है? अब निकालता हूं तेरी हीरो पंती तेरी तो। बस अरे कभी देखा नहीं सिनेमा हॉल हीरो के एंट्री पर सीटी मारते आग नहीं? अच्छा तो रिंग मास्टर भी आ गया है? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये और कोई नहीं बल्कि अभी अभी द रॉकस्टार ही है। और ये यहाँ प्रज्ञा को बचाने आया है। किसी भी हाल में ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से भाग गया ना या बच गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। किसी भी हाल में। फटाफट जाओ, उसे उसे जाके पकड़, बचना नहीं चाहिए। जा। ये वहां पहुंच गए, मतलब ये मुझे बचाने वहां आए, उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। मैं वहां नहीं हूं, प्लीज कैसे बताऊं उन्हें मैं हुई नहीं वहां। क्या करूं, कैसे बताऊं उन्हें? ये नहीं होना चाहिए था, वो हमेशा मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, पर इस बार तो मैं वहां हूं भी नहीं, वो अकेले हैं। भगवान कुछ कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए प्लीज, उन्हें वहां से निकाल दीजिए प्लीज। वो अभिषेक मेरा है जो प्रज्ञा को बचाने आया है। अगर वो यहां से निकला ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चार से मार दूंगा। जाओ।
इसका मतलब प्रज्ञा यही है, मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ। पर ये कौन है जो मुझे जानता है? वॉकी टॉकी पे कौन बात कर रहा है? मिला? नहीं, नहीं मिला भाई। मिला? नहीं मिला। नहीं। तुम लोग ऐसे कुत्तों की तरह झुंड बना के उसे मत ढूंढो। अकेला अकेला आदमी अकेले अकेले कोने में ढूंढेगा, अकेले अकेले कमरे में, समझे? अब जाओ 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 रे। ठीक है चलो। मुंह क्यों खुले रखा है? मुंह ढक अपना। चल चल। अरे किधर है भाई? मिला? नहीं मिला, कब से ढूंढ रहा हूँ भाई, मिला ही नहीं किधर भी। चल तू तो देख, मीठा देख तो जा। छोड़ दूंगा, पहले ये बता प्रज्ञा का है।